तो दोस्तों 1250 रुपये के आसपास में आपको मिल रहा है ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स। साथ ही साथ दोस्तों ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स 2 GB RAM के साथ ज़बरदस्त पिक्चर क्वालिटी के साथ, एंड्रॉयड टीवी बॉक्स तमाम एप्लीकेशंस के साथ आपको मिल रहा है इतने कम दाम में। कैसे मिल रहा है पूरी डिटेल हम बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स जो एक पीस मेरे पास है ये जा रहा है किसी एक लकी सब्सक्राइबर के पास, जो हमारी इस वीडियो को करेगा लाइक और करेगा एक प्यारा सा कमेंट। तो दोस्तों एंड्रॉयड टीवी बॉक्स कुछ इस प्रकार से इसकी बॉक्सिंग होगी और ये बॉक्स के अंदर होगा, और जब हम अनबॉक्स करते हैं तो इसके साथ एक एडाप्टर मिलता है, HDMI केबल मिलता है, उसके बाद से एक रिमोट मिलता है और एक बॉक्स और साथ ही साथ मैनुअल का जो होता है वो मिलता है। तो दोस्तों इसके एडाप्टर की बात हम करें, इसका एडाप्टर बहुत ही ज़बरदस्त एडाप्टर है और देख सकते हैं आप लोग पिक्चर्स में कि कितना ज़बरदस्त है ये एडाप्टर। और उसके बाद से ये रहा इसका रिमोट, रिमोट देख सकते हैं आप लोग कितना लुक लाइक रिमोट है और वेरी सिंपल रिमोट है, और इसमें आप बहुत ही आराम से कुछ भी आप चला सकते हो, किसी भी फंक्शन में जा सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से आप इस रिमोट को चला सकते हो। कहने का मतलब ये HDMI केबल है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है कि इसकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। अगर इसी को अगर इंडियन अगर कोई कंपनी होगी तो इसे 9000 10000 में बेचेगी, 8000 में बेचेगी, लेकिन दोस्तों ये 1200 रुपये से लेके 2500 रुपये के आसपास में, यानी कि 2000 के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि दाम में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो दोस्तों हाल फिलहाल में इसका रेट 1250 से 1500 के आसपास में है। इसमें आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, 2 USB 2 USB के पोर्ट हैं इसमें, उसके बाद से ऑडियो ऑडियो वीडियो के लिए आपको ये 3.5 mm की जैक लगानी होगी, उसके बाद से यहाँ पे आपको HDMI का पोर्ट मिल जाएगा, इंटरनेट का पोर्ट मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स हथेली से भी छोटा एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, ज़बरदस्त बॉक्स है ये। और मेरी समझ से अगर आज की डेट में अगर आप एंड्रॉयड टीवी बॉक्स ख़रीदना चाहते हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता मेरी समझ से। तो खैर पसंद अपनी अपनी होती है, और इसकी पिक्चर क्वालिटी से ही आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त होगा ये एंड्रॉयड टीवी बॉक्स। और यह है अल्फ़ा वाइस एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स A95। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं, हम इसके फंक्शंस को दिखाते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा जब ऑन करेंगे पहली दफ़ा आप, और उसके बाद से आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इंग्लिश जाहिर सी बात है सिलेक्ट करेंगे हम, तो नेक्स्ट कर देते हैं। इसे टाइम जोन में अपने कोलकाता का टाइम जोन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यानी इंडियन टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से हम नेटवर्क में हम वायरलेस, यानी कि अभी हम क्या करेंगे इसे अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट करेंगे। तो जब हम वायरलेस पर इसे ओके करते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, तो हमारा Realme 1 आ जाएगा सामने। अब वहाँ पे उसे पासवर्ड डालना होगा, तो जो मेरा पासवर्ड होगा उसे हम वेरी सिंपल तरीके से जो पासवर्ड होगा उसे हम डाल देंगे, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद से स्कैन कर देंगे पासवर्ड डालने के बाद, ये देखिए पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद हो जाएगा ये कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद से हम इसमें जो चाहे वो चला सकते हैं। IPTV भी इसमें चला सकते हैं, तमाम इसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तमाम एप्लीकेशंस, उसी प्रकार से हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं एंड्रॉयड टीवी बॉक्स में। बस हम इसके फंक्शंस को हम दिखा देते हैं। इसमें सारे दुनिया के सारे चैनल्स आप देख सकते हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज के चैनल्स हो, यहाँ पे YouTube चला सकते हैं, Google Play Store मिल जाएगा, Google Play Store से हम तमाम एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, और YouTube पे हम चाहे जो भी वीडियो देखना चाहें वो देख सकते हैं, चाहे जिसकी भी हो, और ये देख सकते हैं, चाहे मूवी देखें चाहे कुछ भी देखें। और बाकी मैं अपने चैनल का एक वीडियो में चला के देखता हूँ कि कितना फास्ट यहाँ पर ये चलता है, ये देख रहे हैं आप लोग, बाकायदा ये लैपटॉप की तरह कंप्यूटर की तरह ये काम कर रहा है। बाकी हम अपनी कोई सी एक वीडियो ओके करते हैं, झमाझम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें चैनल्स भी देख सकते हैं, दुनिया के सारे चैनल्स देख सकते हैं, DD नेशनल, DD 1, और उसके बाद से GTV कलर्स, तमाम चैनल्स आप यहां पे देख सकते हैं, लेकिन तरीके से देख सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। देख सकते हैं पहले से भी इंस्टॉल इसमें तमाम एप्लीकेशंस हैं,
जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे गैलरी है जहाँ पे अपनी फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह आप सेव कर सकते हो, देख सकते हो आप लोग। आप अपने यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये भी एक एप्लीकेशन है, मूवी प्लेयर है, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और भी एप्लीकेशंस आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, हमारी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। और आप में से किसी एक सब्सक्राइबर को जा रहा है जो कमेंट करेगा, उसके पास एक हमारा ये जो ये सेटअप बॉक्स है, एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स जो है, टीवी बॉक्स है, ये जा रहा है हमारे किसी एक लकी सब्सक्राइबर के पास। तो दोस्तों जल्दी करें, हमारी इस वीडियो को करें शेयर। ये देखें नेटफ्लिक्स भी है यहाँ पे है, चल रहा है। तो दोस्तों जल्दी करें, हमारी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और ले जाइए इस Alphavice 95 एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको इसको ख़रीदना है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इसे ख़रीद सकते हैं। वेरी सिंपल तरीके से लिंक को ओपन करना है और gearbest.com वेबसाइट खुल जाएगी, वहां से आप इसे ख़रीद सकते हैं, जो लिंक दिया गया है उसके ज़रिए। तो दोस्तों ऐसा ही नहीं, पूरी उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी और नए वीडियो में।